नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टू चैनल किशन पश पर। आज हम देखने वाले फर्न ओपन टेक का नवा सवाल, जिस इससे पहले के सवाल अपन पूरे कर चुके हैं और प्रश्नावली 12 की भी अपन पूरी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप देख लेना, ठीक है। अब तो शुरू करते हैं सवाल। तो इस सवाल में दिया हुआ है अपन को 50 मीटर का एक मीनार दी हुई है और एक गोंद दिया हुआ है, ठीक है। और मीनार के पास बिंदु से गोंद के शिखर का ऑन एंड पॉइंट 30 डिग्री और गोंद के पास बिंदु से मीनार के शिखर का ऑन एंड पॉइंट 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अपन को इसकी हाइट याद करनी, पहले अपन आधार निकालते हैं इसका, है ना। तो त्रिभुज ABC में देखते हैं अपन, तो इसमें त्रिभुज ABC में अपन को दी हुई है, AB दिया हुआ है अपन को 50 मीटर और कोण से दिया हुआ है अपन को 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं अपन और टेन भाई अपन को लंब बटे आधार ज्ञात करना है ना, तो आप इस टेन का फॉर्मूला लगेगा और टेन थीटा बराबर AB बटा BC, तो टेन साठ बराबर AB का मान दिया अपन को 50 बटे BC, तो 10 60 का मान क्या अपना √3 बराबर 50 बटे BC, तो BC बराबर हो गया अपना 50 बटे √3। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट त्रिभुज अपना BCD में, तो त्रिभुज हो गया ये BCD में, है ना। तो इसमें देखते हैं अपन को टेन थीटा बराबर CD बटे BC, अपना BC का मान क्या है 50 बटे √3, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपन टेन, इसमें 30 का कोण आ रहा है, तो 10 30 बराबर CD बटे और अपना ये BC का मान 50 √3। आगे लिखते हैं तो 10 30 का मान हो गया अपना, मान होता है ना √3 बराबर CD/50√3। अब इसको अपन वर्ड गुणा करेंगे, इस संख्या ऊपर ये इधर गुणा, ठीक है। तो ये हो गया √3 CD बराबर 50 बटे √3, तो ये CD बराबर हो गया अपना 50 बटे √3 √3 बराबर 50 बटे 3 मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई आ गई अपनी वाली 50 बटे 3, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।